सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में जालसाजों के हौसले बुलंद। 75 वर्षीय वृद्ध महिला के स्थान पर दूसरी महिला को खड़ा कर फर्जी तरह से कराया बैनामा। यह पूरा मामला है सरोजनी नगर क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर इठरू परगना बिजरौर का, जहां पीड़ित केवती, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, और जालसाजों ने सरोजनी नगर रजिस्ट्रार कार्यालय में केवती के स्थान पर किसी दूसरी वृद्ध महिला को खड़ा कर फर्जी 14 बिस्वे का बैनामा करा लिया। जब कुछ दिनों बाद इसकी खबर पीड़ित वृद्ध महिला और उसके परिवारजनों को लगी तो उनके होश ही उड़ गए। तभी से वृद्ध महिला और परिवारजन बैनामा कैंसिलेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने के भी चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर पीड़ित वृद्ध महिला व उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है। दादी, क्या नाम है आपका? केवटी। कहाँ से, किस गांव की निवासी हैं? क्या हुआ है दादी, क्या समस्या आपकी? अरे हमारे यहाँ समस्या है भैया, लिखा ही नहीं तो हम जाने नहीं, हम कहा जाने हैं? को लिखा हुआ कौन है, लिखा हुआ क्या लिखा लिया? आपकी जमीन लिखा ली है? कौन लोगों ने लिखा आपको पता है? हमको नहीं पता है भैया। आप रजिस्ट्री करने गई थी? नहीं, गान बच्चा। कितनी जमीन आपकी लिखा ली गई? अवे बच्चा, अवे चौदह बीस हुआ। अच्छा, तो कब लिखा ली गई कुछ पता है? हमको नहीं पता है भैया। तो इसे लेकर आपने कहीं पे गुहार लगाई है? हाँ, किसी अधिकारी से गुहार लगाई? नहीं, हम नहीं जाने। अच्छा, हाँ, हमारी कहाँ सुनवाई नहीं सब। अच्छा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही? हाँ हाँ। अच्छा, और कोई है आपके घर में? हाँ, बेटवा है। अच्छा अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप दादी? आप बात नहीं भैया, जो कहो तो चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा। किस गांव से? रसूलपुर इठरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, हमारी सास की खेती लिखा ली गई है, ना हमारा सास जाने पाई, ना कहीं गई, ना आई। कौन लिखाया कौन नहीं लिखाया सर, यहाँ पे हम लोग जाने नहीं पाए, जब जाने तो इधर उधर दौड़ने लगे, ना कहीं सुनवाई हो रही, इधर तो एप्लीकेशन डाल रहे हैं उधर डाल रहे हैं, ना बंथरा में सुनवाई है कि थाने में सुनवाई हो। अब इसको ले ले इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं सर, हम लोग का कोई पता नहीं कहाँ कौन लिखवा लिया कहाँ नहीं लिखवा लिया। 14 बिस्वा खेती लिखवा ली गई। कितनी मतलब कितनी रकम होगी इतनी जमीन की, मतलब क्या कीमत होगी? लगभग 1 करोड़ तो कीमत है सर। अच्छा, ये कब लिखवाई गई आपको कुछ पता है? अरे वही 10 तारीख का लिखाई गई है सर। अच्छा, इसे हाँ। लेकर आपने कहाँ कहाँ शिकायती पत्र दिया है? आप शिकायती तो डीएम एसडीएम थाने सब दौड़ ही रहे घर के आदमी। अच्छा हाँ। तो क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है एप्लीकेशन देने के बाद? आप कोई तो नहीं सर हुई है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं अभी हुई। क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं हमारी खेती हमारे कब्जे में रहे, इसको कैंसिल करवाएं, जो हो सामने आए। ठीक ठीक, हमारी खेती है तो हमारे कब्जे में, हमारी सास मारी मारी फिर रही, रो रही है, हम लोग भी परेशान सारा घर। कितनी उम्र है आपकी सास की? हमारी सास की लगभग 85 होगी। अच्छा, मतलब ये मौके पर भी नहीं गई, फिर भी दूसरे लोग को खड़ा करके रजिस्ट्री करा लिया? दूसरे लोग को खड़े करके करा लिया, ये कहीं नहीं गई। रजिस्ट्री कहाँ कराई गई है? बिजनौर में। ये बिजनौर में। ठीक, क्या नाम है आपका? सज्जीवन। किस गांव से? रसूलपुर इठरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारी माता जी की जमीन लिखा ली गई। कब लिखाई गई है जमीन? 10 तारीख को। तो क्या आपकी माता जी गई थी? नहीं। तो फिर किस तरीके से जमीन लिखा ली गई? अब ये नहीं पता किस तरीके से लिखाई गई है। अच्छा, जिन लोगों ने लिखाई है जमीन, क्या आप उनको जानते हैं? हम नहीं जानते सर। इसे लेकर आपने कहीं शिकायती पत्र दिया? शिकायती पत्र बहुत दिए हैं, डीएम एसडीएम को सब कुछ दिए हैं, थाने में भी दिए हैं, कुछ सरोजनी नगर में, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही, ऊपर भी कार्रवाई किए हैं, वो भी नहीं अभी सुनवाई हुई। अच्छा, आज 17-18 दिन हो गए। अच्छा, उसमें जो गवाह हैं या जो जिन्होंने जमीन लिखवाई, किसी को भी आप नहीं जानते? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। तो रजिस्ट्री की कॉपी आप लोगों ने निकलवाई थी? हम कॉपी यहाँ निकलवाई थी।
तो उसमें उनका पता होगा, फोन नंबर होगा, आपने मिलाया नहीं उनको? सबको हम ढूंढ डाले। हाँ। जहाँ जहाँ रहते, जहाँ जहाँ की पता है, वहाँ वहाँ हम लेके गाड़ी गए। हाँ, फिर कोई पता नहीं चला। वो सब मृत्यु दिखाते हैं, मतलब सब मृतक लोगों के? हाँ हाँ, सब मृत लोगों को दिखाते हैं। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? अब कार्रवाई यही चाहते हैं, जो आदमी जो लिखाया है उसको पकड़ाया जाए, हमारी जो है ये रजिस्ट्री जो कंसील की जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। कहाँ से? रसूलपुरी छुरिया से। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यही है कि हमारी दादी की जो जमीन है बैनामा हो गई है, और कुछ लोग मिल के बैनामा किए हैं, और बैनामा जब हुआ है तो दादी का फोटो भी नहीं लगा, दादी दूसरी बना के खड़िया दी गई है। उसके बाद जिसके नाम से बैनामा हुआ, जो उसका नाम है आरती, वो दूसरे के हाथ जब बेचने लगी तो कुछ लोग देखने आए हमारे खेत में, तो हम जाने पाए उसमें कि तभी हम उसके बाद में जानकारी मिली, तब फिर हम गए, फिर कचहरी गए, कचहरी से निकलवाया, फिर उसके बाद ये बात हमको पता चली कि बैनामा मेरा फर्जी हो गया मेरी दादी का। फिर उसके बाद हम दौड़ते रहे इधर उधर, कहीं इस थाने पे कहीं उस थाने पे, चौकीदार भी कह रहा कि ये थानेदार भी कह रहा कि ऐसा है कि जब तक ऊंचे से कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी तो हम करेंगे नहीं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद किसी से मार्क करा के लाइए, फिर हम ऊपर भी गए और एप्लीकेशन भी दिए, चारों तरफ दे रहे हैं, मगर हमें कुछ मतलब अभी रिलीफ नहीं मिल रहा है। कितनी जमीन है? 14-20 साल। तो ये एक ही खाते से है कि अलग अलग खाते? नहीं, एक अलग इनकी दादी के हिस्से में 14-20 साल जमीन है, टोटल दो खाते हैं, दोनों में से 14-20 साल जमीन है। क्या कॉस्ट होगी जमीन की? लमसम यही 80 लाख 85 लाख। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है फिर। हाँ। तो आप जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए तो उनका क्या कहना है इस मामले पे? बस यही है, बताते हैं कि होगा, मगर इधर उधर टालते रहते, मगर आज तक धीरे धीरे हमको 14 तारीख को जानकारी मिली, आज 27 तारीख है, आज लमसम 15 दिन हो गए हैं, हमें कहीं से कुछ भी नहीं मिला, मतलब ना कोई एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ हम डाल रहे हैं वहाँ से कोई हमें, मतलब कहीं से भी आपको ना, ना ना ना, बस बताया जाता कि आप उनसे मिल लीजिए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो इसमें मतलब जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, मतलब जो लोग कराया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उचित उचित सजा मिलनी चाहिए, और मेरी दादी की जो जमीन है वो खारिज करनी चाहिए।